मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 11 फरवरी 2024 रविवार का दिन और हिंदू तिथि द्वितीया है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी और खुशखबरी तो यह है, अब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ अकाउंट में जमा राशि पर 8.25% ब्याज मिलेगा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने शनिवार 10 फरवरी को अपनी 235वीं बैठक में इसकी सिफारिश की है। सरकार की मंजूरी के बाद यह लागू हो जाएगा। इससे देश के 6 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। नई दरें लागू हो जाने के बाद अगर आपके ईपीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा है तो इस पर साल में 8,250 रुपए का ब्याज मिलेगा। आगे बढ़ते हैं देश की एक और बड़ी खबर। 10 फरवरी को मध्य प्रदेश की करोड़ों बहनों को बड़ा तोहफा मिला है, क्योंकि लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के खातों में 9वीं किस्त का पैसा जमा हो गया है। सीएम मोहन यादव ने 1.29 करोड़ बहनों के खातों में पैसे डाले हैं। प्रत्येक बहनों के खातों में 1,250 रुपए की राशि पहुँच गई है। वैसे आपको बता दूं, लाडली बहना योजना की चर्चा पूरे देश में है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस प्रकार की योजना लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में भी लागू हो सकती है। महिलाओं के लिए ये काफी अच्छी योजना है, क्योंकि महीने में फाइनेंशियल मदद मिल जाती है और मध्य प्रदेश में चल रही इस योजना का फायदा सभी वर्ग की महिलाओं को दिया जा रहा है, चाहे वह सामान्य वर्ग हो या पिछले या फिर अनुसूचित जाति। सभी महिलाओं को इस योजना के तहत लाभार्थी बनाया गया है। योजना के तहत 21 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाएं इस योजना का फायदा उठा सकती है। बड़ी खबर यह है, मध्य प्रदेश की इन महिलाओं के खातों में 1,250 रुपए की 9वीं किस्त जारी हो चुकी है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे राजस्थान से बड़ी खबर। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर में एयरफोर्स अपनी ताकत दिखाएगा। इसके लिए देश के अलग अलग 5 एयरबेस पर तैयारियां शुरू हो गई है। आपको बता दूं, 17 फरवरी को वायु शक्ति एक्सरसाइज शुरू होगी। इसको लेकर एयरबेस पर 121 एयरक्राफ्ट पहुंच चुके हैं। जोधपुर एयरबेस पर सुकोई 13 और राफेल की तैनाती की गई है। यहां दोनों एयरक्राफ्ट के साथ तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं जोधपुर एयरबेस पर सुकोई और राफेल के साथ लड़ाकू विमान तेजस, प्रचंड और ध्रुव हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। 17 फरवरी को पोखरण में होने वाली एक्सरसाइज वायु शक्ति के लिए युद्ध स्तर की तैयारी चल रही है। यानी कि 17 फरवरी को जोधपुर में लड़ाकू विमान अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर। राम भक्तों को अयोध्या दर्शन करवाने के लिए श्री गंगानगर से 3 ट्रेनें जाएगी। ट्रेन के सभी कोच स्लीपर होंगे। एक फेरे में 1300 यात्रियों को ले जाया जाएगा। अयोध्या में यात्रियों का प्रवास 36 घंटे का रहेगा। आपको बता दूं, भाजपा ने पहली ट्रेन की रवानगी की तिथि 1 मार्च दी है। 2 और ट्रेनें की तिथि बाद में मिलेगी। अयोध्या के लिए ट्रेन श्री गंगानगर से रवाना होगी। इसमें प्रति यात्री आने जाने का किराया 1700 रुपए होगा। ट्रेन में सवार होने के बाद यात्री के चाय, नाश्ते और भोजन की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, अयोध्या के लिए राजस्थान रोडवेज बसों की सौगात 15 फरवरी से शुरू होने जा रही है। जयपुर से रोज दोपहर 1:15 बजे अयोध्या बस जाएगी। इसका किराया 1,079 रुपए होगा। अजमेर से सुबह 8:30 बजे बस जाएगी। इसका किराया 1,201 रुपए होगा। वहीं जोधपुर से दोपहर 12:30 बजे बस जाएगी। इसका किराया 1,407 रुपए होगा। बीकानेर से सुबह 7:50 पर बस चलेगी। इसका किराया 1,417 रुपए होगा। 15 फरवरी से राजस्थान रोडवेज की यह बसें अयोध्या के लिए शुरू होगी। आगे बढ़ेंगे राजस्थान से एक और बड़ी खबर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक और बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बहन बेटियों को छेड़छाड़ करे तो बुलडोजर चला दो। दिलावर ने कहा, पुलिस से मिलकर असामाजिक तत्वों के बारे में पता लगाए। पुलिस के पास सबके रिकॉर्ड है। ऐसे लोगों ने अवैध मकान भी बनाए होंगे, नियमों का उल्लंघन किया होगा, अतिक्रमण किया होगा। ऐसी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जाए। उन्होंने कहा, ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। मदन दिलावर ने कहा, बहन बेटियों का सम्मान ही राजस्थान के लिए सर्वोपरि है। आगे बढ़ते हैं देश की एक और बड़ी खबर। पंजाब और हरियाणा के किसान एमएसपी गारंटी अधिनियम समेत अपनी कई मांगों को लेकर एक बार फिर दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। किसानों ने 13 फरवरी को हरियाणा पंजाब के 3 बॉर्डर से हरियाणा में दाखिल होकर दिल्ली पहुंचने का ऐलान किया है। किसानों के ऐलान को देखते हुए हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है।
इन सातों जिलों में 3 दिन के लिए मोबाइल इंटरनेट डोंगल बल्क SMS बंद कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने तर्क यह दिया है कि CID के ADGP ने रिपोर्ट दी है कि किसानों की तरफ से मार्च और प्रदर्शन की कॉल दी गई है, इससे तनाव और पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज और शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका है, इसीलिए इंटरनेट बैन का फैसला लिया गया है। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। प्रदेश के कई जिलों में अभी भी सुबह शाम शीतलहर का प्रकोप जारी है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य में आगामी 1-2 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना जताई है। हालांकि 13 और 14 फरवरी को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है, बारिश की संभावना काफी कम है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि अब आने वाले 1-2 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी और अब पाला जमने की संभावना भी नहीं है। देश की एक और बड़ी खबर, संसद के बजट सेशन के आखिरी दिन लोकसभा में शनिवार को राम मंदिर निर्माण के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ चर्चा की शुरुआत हुई। PM मोदी शाम को 5 बजे बोलने आए और 42 मिनट की स्पीच दी। उन्होंने अपनी सरकार की 5 साल की उपलब्धियां गिनाई। वहीं PM ने कहा कि पिछले 5 साल देश के लिए रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म का रहा। PM ने कोरोना जैसी विपरीत परिस्थिति में संसद की कार्यवाही, पेपरलेस पार्लियामेंट की शुरुआत और 17वीं लोकसभा में 97% प्रोडक्टिविटी की भी प्रशंसा की। आगे बढ़ेंगे राजस्थान से बड़ी खबर, मनरेगा में मजदूरों के भुगतान के नाम पर अब फर्जीवाड़ा नहीं हो सकेगा। दरअसल मनरेगा में मजदूरों के नाम पर गलत भुगतान उठाने एवं फर्जीवाड़ा करने पर लगाम लगाने के लिए अब केंद्र सरकार ने मजदूरों के जॉब कार्ड को ABPS यानी आधार बेस पेमेंट सिस्टम प्रक्रिया से जोड़ दिया है। दरअसल अब तक मनरेगा मजदूरों के जॉब कार्ड में जो भी खाते का नंबर भरा जाता था उसी पर भुगतान हो जाता था। इस प्रक्रिया में कई बार मजदूरों के नाम से दूसरे बैंक खाते लिंक करवाकर गलत भुगतान उठाया जाता था। इसी को रोकने के लिए अब प्रदेश के सभी जिलों में सभी मजदूरों के जॉब कार्ड को आधार से लिंक किया जा रहा है। इस प्रक्रिया से जोड़ने के बाद अब मनरेगा मजदूरों को भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में ही मिलेगा। मजदूरों के नाम से अब दूसरों के बैंक खाते लिंक नहीं होंगे। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि CAA देश का एक्ट है, हम इसे यकीनन नोटिफाई करेंगे। इसे चुनाव से पहले नोटिफाई किया जाएगा और चुनाव से पहले ही इसे लागू भी कर दिया जाएगा। इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। आपको बता दूं ये CAA कानून है क्या? CAA के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यक हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी, इनको भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। इसके लिए इन तीनों देशों से आए विस्थापितों को कोई दस्तावेज देने की भी आवश्यकता नहीं है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।